इस चाय का रंग देखो, चाय बन टूटने की वजह से जाम लग गया इधर भी ऊपर तक। ओ भाई धुआं निकल गया ब्रेक होगा। छोले कुलचे, अभी हम लोग छोले कुलचे खा रहे हैं। मॉर्निंग सारे नो, तो आज की सुबह हो गई हमारी, तो अब चले हम लोग अपने नए सफर पे। पहले तो आज गाड़ी ठीक करवानी है हमने जो खड़ी हुई है, तो चलते हैं वहां पे, चाय चूहे पीते हैं, नहाते हैं वहां पे बैठ के। अभी सुबह का टाइम है, तो अभी हम लोग हैं कलोंग में, तो जल्दी अब आगे हम हमारी जहाँ पे गाड़ी खड़ी है वहां पे रुकेंगे हम लोग, चाय चूहे पियेंगे, खाएंगे कुछ, तो आगे का सफर करेंगे। अभी गाड़ी ठीक करवाने वाले के पास जाना हमने, तो अभी हम लोग पैदल चले हुए हैं आगे के लिए, जहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी खड़ी करी हुई है और मैकेनिक को भी लेना अभी हमने यहाँ से, तो अभी आगे पैदल चलते हैं थोड़ी दूर के लिए। कल का दिन तो हमारा बहुत ही बुरा रहा, जैसे मतलब बहुत ही बुरा, तो बीच रास्ते से हमें वापस आना पड़ा था, बीच रास्ते क्या पहुँचने वाले थे तो वापसी आना पड़ा हमें। तो अब आज का सफ़र देखते हैं कहाँ का है, और अभी हम लोग गाड़ी अपनी ठीक करवानी है अभी, फिर उसके बाद देखेंगे कि काजा जाना है कि ले जाना है, तो देखते हैं। तो भाई आज भी कोई मैकेनिक नहीं मिला हमें, मैकेनिक ने मना कर दिया, उसके बाद टाइम नहीं है अभी, तो हम लोग आज फिर से फंस गए, अभी हमें कोई और देखना पड़ेगा। तो ये रहा भाई कैलोंग बस स्टैंड, तो यहाँ पे बस स्टैंड है, तो बंदे अभी चल दिए सारे यहाँ से अपने टूर पे जो नाइट स्टे करी हुई थी जिन ने। तो बस स्टैंड में हम लोग पहुंचे अभी, तो बस स्टैंड से परे गाड़ी हमारी खड़ी है रोड पे हाईवे पे, तो उस साइड जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे सारी बसें जो है वो ज़्यादातर ले लू के लिए मिलती है, यहाँ पे लोकल बसें बहुत कम है, क्योंकि सबके सबके पास अपना अपना साधन होगा, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है ले के लिए ही निकलती है बसें, ले के लिए अवेलेबल होती है यहाँ पे बसें सब ले। एक लॉन्ग डिपू की बसें हैं सारी। तो वो रही खड़ी गाड़ी हमारी, तो हमें जाना भी बड़ी दूर से राउंड मारते हुए जाना पड़ना, वो परे से बड़ा लंबा सफर है, कम से कम 5-6 किलोमीटर राउंड करके जाना पड़ेगा। तो भाई अभी हम लोग आगे पल्ली साइड से, इस साइड तो कलोंग सिटी से बहुत इस साइड आ गए हम लोग बाहर, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास, तो यहाँ से वो सामने रही, तो पहुँचने वाले हम लोग, कम से कम 5-7 किलोमीटर था वहाँ से यहाँ तक का सफर। तो गाड़ी खड़ी है, अब धूप भी आनी शुरू हो गई है यहाँ पे, दिन को धूप बहुत बहुत तेज होती है, पसीने पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो अभी वहां पे खड़ी है, तो शाम हो तो मुश्किल ही आएगी उस साइड, तो देखते हैं अब क्या होगा, आज का दिन कैसा निकलता है यहाँ पे। तो भाई ये है सिटी कलोंग, तो अभी वो सामने बस स्टैंड है, तो ये होटल वोटल सारे हैं यहाँ पे, तो हम लोग आगे सिटी से बहुत इस साइड, तो वो रही गाड़ी, उस्ताद हमारा चला हुआ है ठुमके लगाता हुआ। भाई अभी हम लोग लगे चाय बनाने गाड़ी में, तो ये लगा दिया हमने स्टोव वगैरह सारा उसे, तो अब चाय बनाएंगे, चाय पत्ती वगैरह डालें। भाई अभी चीनी पत्ती हम लोगों ने डाल दी इसमें, तो अभी थोड़ी देर रहने देंगे, गर्म होने देंगे, फिर दूध डालेंगे इसमें, बढ़िया सी काढ़ के बनाएंगे इसे चाय बढ़िया सी। तो भाई अभी इसमें हम तीन बंदे हैं, तो 3 ग्लास डालेंगे दूध के, ये डाल रहे हैं दूध, लो जी चाय का रंग देखो, एकदम बढ़िया खोआ सा बनाना, एकदम शानदार दूध है, बड़ा मस्त, पर ये मूल का नहीं है, ये यहाँ की बकरी का दूध है, स्पेशली दूध मिल्क, स्पेशल मिल्क, ये वाला दूध है भाई। चाय को उबाला आने वाला, अब चाय बन रही है बड़ी मस्त सी, चीनी पत्ती एकदम बढ़िया बनी हुई है, तो देखो टेस्ट करके।
तो ये देखो भाई चाय, चाय का रंग देखो, चाय बन गई हमारी। चाय बनाई बड़ी मस्त थी, और क्या शानदार चाय है, लाजवाब। पूरा दूध ही डाला था हमने, दूध को एकदम बढ़िया से काट के बनाई। हमें गाड़ी मिल गई एक और टोचन डालने के लिए, तो अभी इसमें टोचन डालेंगे, तो आज इसमें चलेंगे, देखते हैं कहाँ तक लेके जाती है। तो अभी हम लोग लॉन्ग टॉप पहुंच गए थे इससे, तो अभी आगे देखते कहाँ तक का प्लान बनता है। भाई अभी टोचन गया अलग, तो बाई गैस चले, टोचन टूटने की वजह से जाम लग गया इधर भी, ऊपर तक इस साइड तो लगना शुरू हो गया जाम, तो जाम लगने की वजह से हमारी गाड़ी भी बीच में रुकी हुई है। तो भाई तो करा रहा मदद हमारी, तो अभी पीछे जाम लग रहा है क्योंकि ट्रैफिक जहाँ पे ले के लिए ज्यादा है ना, इस करके तो बीच में खड़ी होगी गाड़ी। तो कुलौंग अभी पीछे रह गया, लोग चले आगे। अभी हम लोग तांदी पहुंच गए हुए हैं, तांदी के पास है, तो पहुंच गया टोचन लगा के, पर टूट जा रहा हर बार, दो मिनट बाद टूट जाता जब उतराई आती है ब्रेक ब्रूक लगने की वजह से। तो अभी तांदी हम लोग रुके हैं आके। यार भाई गाड़ी की ब्रेक छूट गई, ब्रेक फेल हो गया, अब उसकी पता नहीं ब्रेक के भी गर्म हो गई हुई है क्लच, तो अब ब्रेक के नहीं लग रही। तो भाई अभी पीछे गाड़ी हमारी जो टोचन में डाली हुई है उसकी ब्रेक फेल हो गई हुई है, क्योंकि बॉडी पीछे से आ रही है, गर्म हो गई ब्रेक के, एक तो क्लच प्लेटें भी उड़ी हुई है, ऊपर से वो ब्रेक छोड़ रही है। तो अभी नीचे जाके उसको थोड़ी देर रुकेंगे, ठंडा करेंगे, फिर चलेंगे, क्योंकि उसके आगे तो पूरी अटल टनल से आगे तो बिल्कुल ही उतराई है, तब तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, तभी आगे जाके रुकेंगे हम लोग। ओ भाई धुआं निकल गया ब्रेकों का देखो, तो अभी कुछ देर के लिए रोकेंगे ठंडी होने के लिए। तो ये हो गया सिसु के सामने, यहाँ पे देखो यहाँ का व्यू देखो, यहाँ पे हुआ ये सारा। अभी हमने फिर से चाय बनाई यहाँ पे सिसु के पास। लो जी भाई ये है पीछे सिसु, देखो के लिए ट्रैकिंग करनी पड़ती है, पैदल जाना पड़ता है वहाँ के लिए कम से कम भी 3-4 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। पर नीचे जो है एडवेंचरिंग की बहुत ज्यादा जगह मिल जाएगी यहाँ पे, सबसे ज्यादा एडवेंचरिंग करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत बोटिंग है, रसीव वगैरह झूलने के लिए है, आगे बाइकें खड़ी है रेंटिंग के लिए वो भी खड़ी है, ऑफ रोडिंग के लिए भी है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे जो है। सबसे ज्यादा यहाँ के लिए सबसे ज्यादा लोग आते हैं सिसु, ये है वो देख लो भाई जगह देखो और व्यू देखो। तो भाई अभी हम सारे फ्री हैं, तो देखो कैसे एक बोतल को तोड़ना शुरू कर दिया, वहां पे पत्थर का निशाना लगा रहे, नीचे कुछ भी नहीं निकाल ली है, ये नहीं लग रहा किसी से। टोचन जो है बार बार टूट रहा हमारा, तो अभी हम लोग सिसु से तो आगे आ गया, अटल टनल के पास पहुंचने वाले हैं, तो अभी हम लोग इसको रस्सा लगाया फिर से, क्योंकि बात नहीं बन रही, बार बार टूट जा रहा, तो अभी एक बार में पक्का करके कर लिया, फिर आगे चलेंगे आगे, तो उतराई है। तो ये बड़ी गाड़ी है जिसमें हम लोग चले हुए हैं अभी तक। तो भाई आज का सफर चला हुआ था, तो अभी हम लोग पहुंच गए अटल टनल के पास, पूरा टनल, तो हम लोगों ने अब मनाली निकलना है यहाँ से सीधा, बस अब गाड़ी का काम जो है मनाली होएगा, तो चली हुई है, तो ये कल वाला रोड जो है सिंगल रोड। भाई अभी हम लोग अटल टनल के पास है, तो ये आर्मी वाले फोटो खिंचवा रहे आगे हम लोग। लो जी हम पहुंच गए अटल टनल के बाहर, तो अब हम करेंगे मनाली में एंट्री। तेरा रोकने ना, अभी हम लोग एक कुलचा खा रहे हैं यहाँ बना के भाई के, तो ये लगा दिए भाई बर्गर, तो डीजे की तरह घुमा रहा है इनको।
अटल डाल रहा भाई। भाई ये है अटल टनल के पास शोले कुलचे। अभी हम लोग शोले कुलचे खा रहे हैं यहाँ पे। ये इसे यहाँ पे बर्गर बोलते हैं। ये है शोले कुलचे। बहुत बढ़िया टेस्टी है। गरम करके शोले डाल रहे हैं। यहाँ का मौसम थोड़ा आज खराब है अटल टनल के पास। बारिश वाला मौसम हो गया होगा तो शायद मनाली में बारिश लगी होगी। तो ये है भाई नेहरू कुंड। तो इसका पानी जो है एकदम चिल्ड होता है। तो इसका दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर तक आके पानी भरूंगा। तो देखो अभी शाम के टाइम जो है यहाँ पे जाम जो है वो बहुत ज्यादा लगता है। तो गाड़ियाँ चली रही है अभी सारी देखो। तो अभी भाई जा रहे हैं, इनको गाड़ी तक छोड़ने जा रहे हैं हम लोग। तो इनकी गाड़ी पीछे पार्क करी हुई है हमने, तो वहां तक जा रहे हैं हम लोग अभी। तो भाई आज रात का खाना है कुछ इस तरह, दाल चावल और ये कबाब है, कबाब की सब्जी। ये कबाब की सब्जी बढ़िया सी, ये एकदम शानदार दाल बनाई हुई है। और